20450 की कॉल को शॉर्ट किया है और 20450 की पुट को मैंने 3400 पे शॉर्ट किया है। दस मिनट हो गया है, 9:33 है, अभी अपडेट करते हैं आगे आपको। तो दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और सुबह 9:25 हो रहा है और ये ट्रेड मैंने 9:25 पे एग्जीक्यूट कर दी थी। इस स्ट्रेटेजी को आप शॉर्ट स्ट्रेटल भी कह सकते हैं या आयरन बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट मार्जिन के लिए मैंने दूर दूर जाकर इनके हेजेस बाय किए हैं, जिस वजह से आप इसको आयरन बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं। सो ये मैंने जो ट्रेड ली है, ये रियांश उपाध्याय सर हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं आमतौर पर, और थीटा गेनर्स नाम से उनका यूट्यूब पर चैनल है, मैं उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँगा आपको देखने के लिए। तो रियांश उपाध्याय सर की वीडियोज़ को मैंने देख कर यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है एक्सपायरी के दिन पर, ठीक है। तो मोस्टली 9:26 पे, 9:30 पे या 9:45 पे एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्रीमियम बहुत कम मिलते हैं आपको, तो जितनी जल्दी मॉर्निंग में आप अपनी ट्रेड को इंप्लीमेंट कर देंगे उतना प्रॉफिट आप लोग ले जाने की यहाँ पर क्षमता रख सकते हैं। तो मनी हमारी कितनी लगी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1,23,000 हमारा यहाँ पर इस ट्रेड को लेने के लिए पैसा डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। अगर परसेंटेज की रिटर्न की बात करें तो एक्सपायरी के दिन लगभग 1% भी रिटर्न मिल जाए, अगर मुझे 1200-1300 रुपये भी मिल जाते हैं तो विच इज़ ए वेरी ग्रेट अमाउंट टू टेक इन द एक्सपायरी डे, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन पर अगर एक अपली वैल्यूएशन का 1% मिल जाता है तो बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है, ठीक है। तो मैं 1200-1300 रुपये यहाँ पर अपना टारगेट मान के चल रहा हूँ और इस ट्रेड में मेरा लॉजिक देखो क्या है कि 42 रुपये पर मैंने यहाँ पर 20,450 की कॉल को शॉर्ट किया है और 20,450 की पुट को मैंने 3400 शॉर्ट किया है। मैं यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा दोनों में 10 से 15 पॉइंट का ही एसएल देने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं एसएल देने वाला नहीं हूँ। जिस और मार्केट स्विच होगी, 10-15 पॉइंट मूव हो जाएगी, उस वक्त मैं एसएल दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं स्ट्रेटल बनाने की कोशिश करूँगा जिससे जो मेरा लॉस है वो कवर रिकवरी हो पाए, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट क्या होता है एक्सपायरी के दिन पर, जब भी आपको एक तो क्या होता है कि प्रीमियम आपको बहुत कम मिलते हैं और दूसरी बात यह होती है कि जब प्रीमियम कम मिलते हैं तो आपको मॉर्निंग में ट्रेड अपने डिप्लॉय करनी पड़ती है और इसकी वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग में जैसे आप लोग जानते हैं कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि 30 का कब 40-50 हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, विद इन ए सेकंड हो जाता है काम। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले आपको अपना ऐसा लगा के रख लेना चाहिए, जैसे मेरा 34 रुपये के आसपास है तो मैं 44 या 50 के आसपास अपना ऐसा लगा के रखूँगा, क्योंकि इस दिन क्या होता है मार्केट के मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, फिर भी अगर जो मूवमेंट आता है तो सडन पैनिक मूवमेंट आता है जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखो 30-40 रुपये का तो यहाँ पर मैं प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, अगर उसी 30-40 रुपये के प्रीमियम में मैं 80 रुपये दे दूँ यहाँ ऐसा अपना तो वो कोई लॉजिक की बात नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है वापस लौट के तो 80 से नीचे आना बहुत मुश्किल होता है मेरे स्ट्राइक प्राइस का। सपोज करो 42 रुपये की मैंने 20,450 की कॉल को शॉर्ट किया, अगर वो चला गया 80 रुपये तो 80 से मैं सपोज करूँ कि नहीं वो 40 आए 30 आए तो बहुत रेयर चांस होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत कम मूव करती है और जब भी मूव करती है तो उसको वापस रोकना, उसको किसी भी लॉक में डालना, उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर होता है कि मार्केट रिस्पेक्ट करो, अपना एसएल देके निकल जाओ और दूसरी साइड को होल्ड करो, आपकी दूसरी साइड आपकी सिक्योर होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर कॉल साइड में मेरा 20,450 की तरफ स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है तो 20,450 की पुट को होल्ड कर लूँगा, सिंपल सी बात है। ज़्यादा ज़्यादा 15 पॉइंट दूंगा तो मुझे 15 × 30 मतलब 19 रुपये फिर भी मुझे यहाँ पे पुट साइड मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर पुट साइड मेरी बढ़ गई चलेगी 50-60 पे तो मुझे वहाँ दूसरी तरफ से 15 का जो मैंने एसएल लगाया वहाँ पे मुझे 15 से 20 रुपये मिल जाएगा। तो 15 से 20 रुपये मुझे मिलना ही मिलना है, लगभग मेरी वैल्यूएशन का मान के चलिए कि मुझे 1% तो मिलना है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाती है। तो ऑप्शन सेलिंग का तो देखो यही फायदा होता है कि मार्केट अगर अगेंस्ट जाए तो आपको टाइम होता है कि दैट यू कैन एडजस्ट योर ट्रेड। 120 क्वांटिटी मैंने सेल करी, अगर मुझे मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाती है 10 पॉइंट भी देगी, 10 पॉइंट मतलब समझ रहे हो 1200-1300 रुपये मुझे आराम से मिल जाएंगे जो मेरी पूरी कैपिटल का 1% होता है, ठीक है। तो अभी हमें 120-130 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ। अगर इस टाइम बात करता रहा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, डिस्क्रिप्शन पे मेरा टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है। आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसके अपडेट मैं लगातार अपने चैनल पे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी रहे देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट में, किस तरह की ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा लॉजिक क्या है। सो आगे अपडेट करता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों, अभी हमारा प्रॉफिट 500 के आसपास पहुँच गया है, जो हमारी वैल्यू का 35-40% है, ठीक है। अभी ट्रेड लिए हुए लगभग हमें 10 मिनट हो गया है, 9:33 है, अभी अपडेट करते हैं आगे आपको। तो दोस्तों, 9:48 हो गया है और हमारा प्रॉफिट यहाँ पर 600-700 के आसपास टच होने लग गया है। सो अभी हमारी वैल्यूएशन का मान के चलिए कि लगभग 60% के आसपास हमारा 70% के आसपास हमें अभी यहाँ पर 60% के आसपास हमें मिल रहा है। सो अभी देखते हैं, आगे अपडेट देते हैं कि ट्रेड हमारे कैसी जाती है। सो गाइस, समय हो गया है 9:50 और हमारा प्रॉफिट 900-1000 रुपये भी टच किया था, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया था उस वक्त पे। तो 1000 रुपये से भी टच करके आइए, वापस हमारी ट्रेड आई है। तो 9:50 है, पूरा दिन है दोस्तों, मार्केट एक रेंज बाउंड हो गई है और इसी के आसपास आप देख सकते हैं कि हमें कॉल में भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और हमें पुट में भी यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मार्जिन आपको दिखा देता हूँ 1,35,000 जो एज यूजुअल हमारा यूज हुआ है, जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। सो हमें इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ट्रेड में दोनों तरफ से हमें प्रॉफिट हो रहा है। आप देखेंगे कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, यही पावर होती है ऑप्शन सेलिंग की, पुट में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मार्केट यहीं खड़ी है, कहीं मूव नहीं कर रही है मार्केट। मार्केट यहीं खड़े होने के बावजूद भी ऑप्शन सेलर यहाँ पैसा कमाता है, क्योंकि टाइम डीके होता है, थीटा डीके होता है, ठीक है, थीटा मिलता है। जितना टाइम स्पेंड करेगा इसी स्ट्राइक प्राइस के पास पर प्रीमियम गलेंगे तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होगा, अगर मार्केट कहीं मूव भी नहीं करती तो भी। तो मार्केट क्या है ना, आज रेंज बाउंड होकर चलिए फिन निफ्टी में, और चूंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम जल्दी डीके होंगे इसके, ठीक है। तो 9:55 हो रहा है और हम देख सकते हैं कि 1000 हमारा जो वैल्यू था वो 1000 पॉइंट
था 1000 रुपये, हमें यहाँ पे आराम से ट्रेड पे मिल रहे हैं जो कि हमारे 80% के आसपास 90% के आसपास है। ठीक है, अभी देखते हैं पूरा दिन है मार्केट का, वेट करते हैं हम कम से कम अपना डिजायरेबल प्रॉफिट जो हमारा है 1200-1300 रुपये वो लेके जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगा रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस 10:40 है, हमारा डिजायरेबल प्रॉफिट लगभग हमें मिल गया है 1200-1300 रुपये के आसपास मार्केट पहुँच के वापस आई है, तो हम इसको यहाँ पर अब बुक कर लेंगे जहाँ 1200-1300 रुपये पहुंचती है मार्केट वहाँ पे हम लोग उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो 1% मिल गया विच इज़ ए वेरी गुड अमाउंट एज ऑप्शन सेलर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।